शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शिमला की जनता ने 5 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी तक हुए हैं और हमें जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हमें दी है और मुझे खुशी इस बात की भी है। ये चुनाव जो अभी हुआ वो हाथ के निशान पर हुआ था, चुनाव चिन्ह के निशान पर हुआ था। पिछले चुनाव थे वो चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे। तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस ने पार्टी के कार्यक्रम और हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके पक्ष में मतदान किया दिया है। मैं शिमला की जनता का, नगर निगम में रहने वाले सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर आंकड़ा बता दीजिए सर, कितना? मेरा ये मानना है कि हम 23 से लेकर 24 सीटों तक अभी जीतेंगे और निश्चित तौर पर ये भी मेरा मानना है कि हम 10 साल बाद शिमला में कांग्रेस पार्टी की नगर निगम को बनाएंगे। सर जिस तरह से इस चुनाव में बीजेपी ने प्रधानमंत्री का फोटो का इस्तेमाल किया पोस्टरों में भी और जिस तरह के मुद्दे रखे गए थे, क्या लगता है आपको इस मैंडेट से? देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा का चुनाव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर दी कि जैसे इस चुनाव में वो इसको व्यक्तिगत लड़ाई मानकर चल रहे थे। मेरा यह मानना है कि हमें विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में जिस प्रकार के आर्थिक बदहाली में हिमाचल प्रदेश को पहुंचाया है, हमारी सरकार ने पिछले कल ही कैबिनेट में डिसाइड किया कि व्हाइट पेपर हम लेकर आएंगे। लोगों ने उसको पहचाना। आप जनता को ज़्यादा दिन तक ठग कर नहीं रह सकते और इस दृष्टिकोण से उन्होंने हमारी बात को सुना और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे जितने भी सरकार में मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी थे उन्होंने भी पूरा काम किया, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरा काम किया और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अब हमें शिमला नगर निगम में जब हमारी कॉरपोरेशन बनी है, प्रदेश में हमारी सरकार है कि अब हमें शिमला को सुंदर बनाने के लिए, शिमला को ये बिजली की तारों के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए, शिमला में बिजली स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से हमारे सभी पार्षद सेवा भाव से काम करें, सभी पार्षदों को। सर आप जीत के साथ कर्नाटक चुनाव में जा रहे हैं, हिमाचल में जो ये जीत अभी मिली है, लेकिन बीच में जो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा बीच में, तो क्या आपके आने के बाद अगली प्रक्रिया होगी या फिर सदन का जो रूटीन में एक सिलेक्शन होता है वो चलेगा? वो हमारी हम अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से चर्चा करने के बाद अपने एक जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाएंगे और उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हिमाचल की जनता है, क्योंकि शिमला कॉरपोरेशन एक ना मिनी हिमाचल है जहाँ सभी प्रदेश के लोग रहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, पत्रकार बंधु रहते हैं, छोटी सी बात को भी वो सारे अच्छी तरह समझते हैं। तो इस चुनाव का मकसद ये नहीं है कि इस चुनाव का मकसद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो समाज की भलाई के और अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से मैं एक बार फिर से शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मिनी हिमाचल में, जो शिमला की राजधानी में हिंदुस्तान की पहली कॉरपोरेशन थी, वहाँ हम जीते हैं। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।